शिवन्या बनी काली। किया यामिनी का संहार, नागिन का विकराल रूप। अरे भाई नहीं, ये हम अचानक महादेव के सेट पर नहीं पहुंचे हैं। महादेव तो कब का खत्म हो चुका है। ये तो मौनी रॉय का महादेव हैंगओवर है, जो कहीं ना कहीं उनके सबसे हिट रोल सती की याद दिला ही देता है। वैसे ठीक भी है, मौनी की ये सती रूप वाली झलक आपको हमेशा टीआरपी तो दिला ही देती है। खैर, सास बहू और बेटियां आपको ये याद दिला दें कि ये नागिन का सेट है, जहां नागिन इंसान बन जाती है। लेकिन इस वक्त नागिन काली को इतना प्रसन्न कर चुकी हैं अपने भव्य तांडव से कि काली माँ स्वयं नागिन में समा गई। काली की पूजा कर रहे हैं ताकि काली पापियों का विनाश करे। And that's what the whole sequence is all about. काली माँ का विकराल रूप शिवन्या में आया और हो गया बुराई का सबसे बड़ा संघार, बुराई की देवी यामिनी का खात्मा। सब कुछ किया, गोली कट्टा सब कुछ किया। अब तो आखिरी मौके पर मुझे सिर्फ एक लाठी मिली है। अब डंडे के साथ मतलब इसको मारने आई हूँ, रितिक को खत्म करने आई हूँ। बीच में शिवन्या आती है। मकसद यही है कि जिस पूजा में ये दोनों बैठे हैं, मैं नहीं चाहती कि ये पूजा समाप्त हो। और मेरा मकसद है कि अगर मैं रितिक को मारूंगी तो शिवन्या उठ जाएगी पूजा से, तो उसी मकसद के साथ मैं रितिक को मार रही हूँ। ये सीन इतना बेहतरीन फिल्माया जाएगा, ये देखकर सेट पर सभी खुश हो रहे हैं, खासकर यामिनी, जो रियल लाइफ में नटराज महाकाली की बहुत बड़ी भक्त है। का अंत करने के लिए काली ही, मतलब बोलते हैं ना कि जब जब नाश हुआ इस धरती पे, तब तब इस नाश को ख़त्म करने के लिए काली का रूप, मतलब काली प्रकट होती है। तो इसी बात को हम विजुअली दिखा रहे, सेलुलॉइड पे दिखा रहे कि क्योंकि अब 4 लोग तो मर गए, बची मैं हूँ। तो मारने के लिए तो उसको, शी इज़ नो लॉन्गर अ नागिन, नागिन तो नहीं रही, इसलिए वो विराट रूप लेती है, काली बनकर मुझ पर अटैक करती है। भाई, नागिन के क्लाइमेक्स का सुपर ड्रामा अपने चरम पर है। अब काली तो काली है और यामिनी के वध के बाद भी काली माँ शांत नहीं हुई, तो इनका गुस्सा शांत करने के लिए शिव का अवतार लेना पड़ा ऋतिक बाबू को। तो जैसे शिव जी गए थे उनके चरणों के नीचे, वैसे ही मैं चले जाता हूँ शिवन्या के चरणों के नीचे। फाइनली ये सीरीज किस तरह से खत्म होगी, ये तो भाई हम भी नहीं बता सकते। इसका जवाब तो हमारी यामिनी मैडम के पास है। मिस तो हम भी करेंगे, बट आई थिंक ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। तो उस हाई नोट पर अगर हम नागिन को छोड़कर जा रहे तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बिकॉज लोगों को सीज़न 2 का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जैसे आपने कहा कि सीज़न 1 में हम माउंट एवरेस्ट तो पहुंच ही गए हैं, तो सीज़न 2 में अगर उससे भी कोई हायर माउंट होगा तो वो भी हम मतलब डेफिनेटली नागिन 2 विल स्केल दैट हाइट्स। भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, नागिन 1 ने जो धमाल किया है उससे ज़्यादा की उम्मीद आने वाले सीज़न से सभी को है। अब नागिन की सीज़न 2 की फुनकार कब सुनाई देती है, बस उसका रहेगा सबको इंतजार। भले ही नागिन के सेट पर इतना कोहराम मचा हो, लेकिन बिहाइंड द सीन हमारी नागिन रानी का सेल्फी लव तो देखिए। भाई, ऐसा लुक बार बार तो मिलता नहीं, तो क्यों ना इनको फोटो में कैद कर लिया जाए। आकिब खान, मुंबई आज तक।